अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज डिस्कस करते हैं केसेस क्या होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के। अच्छा, पहला केस आप लोग देख रहे हैं, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल एन इंटू पार्शियल एक्स ओवर एन। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का पहला केस है। यू इक्वल टू यू से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एक्सपोनेंट मतलब e की पावर में ये सारी वैल्यू हमने लिखनी है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और फिर इसको ओरिजिनल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, और फिर वो अगर एग्जैक्ट बनेगी तो उसको सेपरेबल सॉल्व करना है। सेकंड केस है पार्शियल n इंटू पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y ओवर m। ठीक है, m एंड n आपको पता होगा, इक्वेशन में से आप लोग निकाल लोगे। सो सिमिलरली अब ये वैल्यू आएगी जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो वो आएगा फंक्शन ऑफ y। ठीक है, सो इसको भी सिमिलरली हमने एक्सपोनेंट की ऊपर लिखना है। अब थर्ड केस तो है अगर इक्वेशन होमोजेनियस होगी। होमोजेनियस की मैंने आप लोगों को पहचान बताई है, वेरिएबल पावर सेम होगी। ठीक है, एक्स एम प्लस वाई एन। ठीक है, एक्स को एम से मल्टीप्लाई करना है, वाई को एन से करना है, और जो आंसर आएगा वन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने फाइंड करना है यू इक्वल टू वन ओवर एक्स एम प्लस वाई एन। फिर इसको ओरिजिनल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और एग्जैक्ट बना देंगे अगर बन रही है तो, फिर उसको सेपरेबली हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ केस है अगर इक्वेशन होगी इस फॉर्म की, ये इंपॉर्टेंट केस है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स एक्स जी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी एक्स एम माइनस वाई एन अन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और आपने फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स एम माइनस वाई एन। ठीक है, और इसको ओरिजिनल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। अब हम हर एक केस को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, देखें एग्जाम्पल नंबर वन। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर वन को। ठीक है, देखिए हमने इस पे केस नंबर फर्स्ट अप्लाई किया है। ठीक है, पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n टू पार्शियल x ओवर n। ठीक है, वन ओवर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जो फंक्शन आ गया वो x का आ गया, इंटीग्रेशन अप्लाई किया। देखिए u ऑफ x इक्वल टू वन ओवर x e की पावर में इंटीग्रेटिंग उसकी, और साथ में नेचुरल लॉग x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। नेचुरल लॉग और e एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास x आ गया। अब इसको x को ओरिजिनल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्ट बन जाएगी, तो इसको डिफरेंस हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास कोई एक केस अगर होमोजेनियस का आ जाता है, देखिए इक्वेशन होमोजेनियस एग्जांपल नंबर फोर में x और y की पावर मिला के सेम बन रही है। सो होमोजेनियस x m प्लस y n हमने कहा था ये स्टेप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसके इंटीग्रेटिंग कैसे फैक्टर कैसे फाइंड करें, x m प्लस y n ऊपर इसके वन है। ठीक है, इसको ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्ट बना देगी, फिर उसको सेपरेबली सॉल्व कर लेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग इजीली कर लोगे अगर आप लोगों ने इसकी बेसिक समझ ली। अब मजे की एक्सरसाइज आ गई है, बहुत इजी है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कहता है इस फॉर्म की इक्वेशन होगी ए ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी ऑफ एक्स। इस फॉर्म की इक्वेशन को हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की कहता है। अगर ये इस फॉर्म में लिखी जाए, अगर ए ऑफ एक्स हम रिमूव कर दें, ए ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, या ए ऑफ एक्स से थोड़ी डिवाइड कर दें, बी ऑफ एक्स ओवर ए ऑफ एक्स आ जाएगा, सी ऑफ एक्स ओवर ए ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, इनको हमने लेट कर लिया पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, डी वाई और डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, ये आप लोगों ने याद रखनी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कहता कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, अभी एक कंसेप्ट देने लगा आप लोग समझ। ऐसा फंक्शन जिसपे इसका ग्राफ ब्रेकेबल ना हो, देखिए ये कर्व है, ये कंटिन्यूटी कंटिन्यूस है, जा रही है जा रही है, रुक नहीं रही, किसी भी पॉइंट पे इसका ग्राफ किसी भी पॉइंट पे इसका ग्राफ टूट नहीं रहा। इन केस किसी भी पॉइंट पे ग्राफ टूट जाए, टूट गया सो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। फिर चल पड़ा, फिर टूट गया, फिर चल इस तरह। ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ है, जिसपे कर्व जिसका ग्राफ टूटे ना, अनब्रेकेबल हो, जिसका ग्राफ ब्रेकेबल होगा वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। जी मैंने बता दिया कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। अब हमने पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, कंसीडर किए। अब कहता है इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका सोल्यूशन इस फॉर्म को होगा यू ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस सी ओवर यू ऑफ एक्स, यू ऑफ एक्स एक्सपोनेंट ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है पी ऑफ एक्स का, पी ऑफ एक्स का जो वाई के साथ, द यू ऑफ एक्स इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है,
निचली वाली प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करना है, समरी, जस्ट एक क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, वही मैं करवाऊंगा और बाकी समरी में बताता हूँ। कहता है इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे पी ऑफ एक्स का, ठीक है, और फिर जनरल सोल्यूशन लिखेंगे इस फॉर्म में, वाई इक्वल टू यू ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस सी ओवर यू ऑफ एक्स। अगर निचली वाली प्रॉब्लम होगी इससे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं होगी तो हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, सारा समझ आ जाएगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर नहीं है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन में। देखिए हमने पी ऑफ एक्स का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले दिया, पी ऑफ एक्स का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स मतलब टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है, नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, सीकेंट एक्स आ गया। अब हमने सीकेंट एक्स को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंट एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है, सीकेंट एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। इन्होंने थोड़ा और तरह लिखा है, मैं आपको इसका इजी तरीका बताता हूँ। जनरल सॉल्यूशन को इन्होंने इस फॉर्म में लिखा है कि उसने इंटीग्रेशन कर लिया नेचुरल लॉग कॉस स्क्वायर एक्स और सीकेंट एक्स की, नेचुरल लॉग कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, हम इस तरह लिख सकते हैं नेचुरल लॉग कॉस एक्स कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, ठीक है, फिर उसने y में इसका सोल्यूशन लिख लिया y को तो साइन एक्स प्लस सी ओवर सीकेंट एक्स, ठीक है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो नीचे आ गया साइन एक्स प्लस सी, जैसे उसने ऊपर बताया। एक और तरीका भी है इसका, देखें अब ये क्वेश्चन गिवन है, देखें इसको लीनियर इक्वेशन में पहले हम कन्वर्ट करेंगे x माइनस वन का क्यूब, देखें यहाँ पे डी ओ वाई ओवर डी एक्स का सब कुछ नहीं होना चाहिए, सो नहीं है तो हमने सब जगह डिवाइड कर दिया, फिर पी ऑफ एक्स का इंटीग्रेटिंग फैक्टर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया, हमारे पास इंटीग्रेशन है x माइनस वन ओवर फोर, ठीक है, इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको लिखने का तरीका देखें, अगर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाए, x आया तो हमने डी ओवर डी एक्स को लिख के साथ में जिसमें वो लीनियर होगी उसको लिखना है, साथ में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको लिखना है, और दूसरी साइड पे एक्स के माइनस वाई इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, डी ओवर डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, सो ये हमारा आंसर है। अगर एज अ फंक्शन ऑफ वाई आ जाए इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हम लिखेंगे यहाँ डी ओवर डी वाई वाई इंटू एक्स माइनस वन के फोर ओवर एक्स के माइनस वन, ठीक है, डी वाई डी इंटू डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आप लास्ट में वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल सी है, मैंने थोड़ा क्विकली कराया, आप लोग कोई क्वेश्चन है कोई कन्फ्यूजन आप लोग पूछ सकते हो। नाउ वी टॉक अबाउट द बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, कहता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में इसमें सिर्फ एक बात का फर्क है, वाई ऑफ एन आ गया क्यू ऑफ एक्स के साथ, बाकी सेम है। सबसे पहले कहता हम करेंगे अगर एन की वैल्यू जीरो है, वाई पे जो डिग्री है जीरो या वन होगी, तो हम इसको लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व कर लेंगे। देखिए किसी चीज पे पावर जीरो तो वन होता है, वन होगी तो सिमिलर वही चीज आ जाएगी, तो हम इसको कहता सिमिलर लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की तरह सॉल्व कर लेंगे। अगर एन पे पावर ज्यादा होगी टू थ्री फोर होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, कहता हम सबसे पहले तो y ऑफ n से सबको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, ठीक है, और हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे या इसको लेट करेंगे v को 1 ओवर माइनस जो p ऑफ x के साथ y है उस पर इसको लेट करेंगे, फिर सारा इसका प्रोसीजर है डेरिवेटिव लेंगे उसका, फिर ओरिजिनल इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, फिर वैल्यूज को आकर में रिप्लेस कर देंगे। जस्ट एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। देखें डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई प्लस वाई का क्यूब है, ठीक है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, कहता है बिल्कुल लिखी जा सकती है। अब ये तो सिंपल ही लीनियर है वाई में, सिंपल लीनियर है वाई में, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे ऐसे क्योंकि वाई पे पावर आ गई है, वाई पे पावर जीरो है वन होती फिर लीनियर होती, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास वन है, देखिए वाई के साथ माइनस वन पड़ा हुआ है, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स वाई क्यूब के साथ कुछ नहीं पड़ा तो वन होगा, एन वाई पे जो पावर है डिग्री एन, देखिए अब एन आ गया थ्री, सो हमने सबसे पहले y क्यूब से सबको डिवाइड कर दिया, सो हम लेट करेंगे v को माइनस टू, वाई की वन माइनस थ्री नहीं करना, वाई की माइनस टू ये गलत लिखा हुआ है, सो लेट कर लिया, फिर v पे हमने क्या किया इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, v पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और उसको dy वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इंटू वाई क्यूब के साथ रिलेट करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, और फर्दर डी वाई और डी एक्स प्लस टू भी आ जाएगा और माइनस टू आ जाएगा। फिर अब देखें ये लीनियर होगी वी में, अब इसको बेसिकली हम लीनियर बना रहे हैं, जब लीनियर बना ली इसको वी में तो टू आ गया, टू हमारे पास को इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ऊपर इंटीग्रल में लिखेंगे ई की पावर टू एक्स आ जाएगा, ई की पावर टू एक्स को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे।
स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगी तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को देख लीजिएगा क्या है ये 9 और 10 पिछले लोग काम करते हैं आई थिंक वही है। सो आप लोग जी बर्नौली इक्वेशन आप लोगों को यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन गिवन है बर्नौली है ठीक है, पी ओ फैक्स के साथ वाई है, क्यू फैक्स के साथ वाई है, वाई की पावर 0 या 1 नहीं है इसके अलावा, तो हम सबसे पहले 1/2 से सबको डिवाइड करेंगे ठीक है, यह इसका प्रोसेस है प्रोसीजर है। उसके बाद जो पी ओ फैक्स के साथ वैल्यू होगी वाई वाली उसको वी के बराबर लेट करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, फिर इस इक्वेशन में 1/2 पावर फ्रंट पे पावर में से एक कम बगैर पावर के डेरिवेटिव डी वाई डीएक्स आ गया, डी वी ओ डीएक्स आ गया। देखें हमें अब इसमें रिप्लेस करना है, देखें डी वाई ओ डीएक्स डी वी ओ डीएक्स यहाँ पे लिख दिया, और जो ये 2 था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आके 2 मल्टीप्लाई हो गया, और वाई की 1/2 की जगह हमने वी डिवाइड वी लिख दिया, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। इसके साथ सबसे जब हमने 2 को यहाँ से ख़त्म करना है क्योंकि हमें लीनियर फॉर्म में बनाना है, तो सबसे डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में हमने करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें पता है जो वैल्यू होती है वी के साथ वाली उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं एक्सपोनेंट में ठीक है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया तो हमारे पास आ गया -1/x² / -1/4। सो इसको पूरी इक्वेशन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया जो पीछे इक्वेशन थी। सो हमने कहा था कि डी ओवर डी एक्स की फॉर्म में ले सकते हैं अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे एक्स आए, अगर वाई आए तो डी वाई डी की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा वी ठीक है जैसे वाई आता था पीछे, और -1/(-x²/-1/4) ठीक है। और उस साइड पे भी हमने जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अप्लाई किया सो यहाँ पे आप सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ओवर डी एक्स खत्म हो जाएगा, वी यहाँ पे ऐसे ही आ गया। उसके बाद हमने वी एक साइड पे ले गए और वी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया 1/2 वाई की 1/2 ठीक है। ये हमारा आंसर है, सिंपल सा प्रोसेस है, अगर फिर कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज डिस्कस करते हैं हम लोग के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी फैमिली ऑफ सर्कल्स में ठीक है। अब एक एग्जाम्पल को सॉल्व करता हूँ मैं, वहाँ से आप लोगों के सब स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास x² + y² = 2cx ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कांस्टेंट की वैल्यू अगर निकली तो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली हमने ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू को हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दिया ठीक है। हमारे पास इक्वेशन आ गया dy/dx = y²-x² / 2xy। यहाँ तक उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। और अब देखना है हमने के क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है। किसी भी पहले मेथड सॉल्व करते आए इसको ना हमने सेपरेबल बनाना है ठीक है, सेपरेबल बनाना। अब सेपरेबल किस तरह बनाना है, होमोजीनियस से इसको सॉल्व कर लेना है या फिर सेपरेबल बनाना है, या मुख्तलिफ मेथड जो हमने पढ़े इंगसेट का पढ़ा है ठीक है, वो सारे मेथड हम लोगों ने अप्लाई करने, जो मेथड अप्लाई होता है यहाँ पे हमने उसको अप्लाई करना और इसको सेपरेबल बनाना और फिर इसकी इंटीग्रेशन करनी और आंसर निकालना। एक बात यहाँ पे याद रखनी है, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन सूटी फैम जब एसोसिएट करेगा ना फैमिली ऑफ सर्कल्स इस इक्वेशन को, मतलब हमने इसका सबसे पहले तो हमने इसको ना ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दी थी कि वैल्यू हमारे पास आ गया y²-x²/2xy। अब सेकंड नहीं कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑर्थोगोनल फैमिली की होती है उसमें मतलब कहने का ये होता है कि आप इसको रिवर्स कर देते हैं। देखिए 2xy ऊपर आ गया, y²-x² नीचे आ गया, जब रिवर्स करते हैं तो ऑब्वियसली साइन भी चेंज होता है। देखिए x² का पॉजिटिव हो गया, y का नेगेटिव हो गया ठीक है, ये आपने हर क्वेश्चन में करना है। उसके बाद देखें ये होमोजीनियस है, ऊपर भी 2 पावर है नीचे भी 2 पावर है, सो इसको होमोजीनियस से हमने सॉल्व कर लिया। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, उसके बाद ऑर्थोगोनल फैमिली की इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, मतलब उसको रिवर्स कर देंगे और माइनस साइन आ जाएगा साथ ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब मैं मूव फॉरवर्ड करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों ने ये टॉपिक्स है ये आप लोगों ने करने हैं एज कम्पेयर टू नेक्स्ट टॉपिक्स, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ से आ जाता है मोस्टली एमसी की, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। एक आपने यहाँ से याद करना है कि डी पी ओवर डी टी बराबर है के पी के ठीक है। अभी क्या है इसमें ज्यादा मैं डीपली नहीं जा रहा क्योंकि हमारा फोकस आगे वाले लेक्चर्स पे है जहाँ से सब्जेक्टिव पेपर ज्यादा आते हैं, ऑब्जेक्टिव आपकी क्लियर हो जाएगी। आपने जस्ट इनको पढ़ना है डी पी ओवर डी टी इक्वल टू के पी, ये इक्वेशन किस चीज की है सारा आपको बताओ, और यहाँ पे बताओ आपको के
ये प्रोसेस क्या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हाफ लाइफ ऑफ 16 डेज, आप लोग पढ़िएगा इसको, उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं फिर डिस्कस कर लूंगा। देखिए ये हाफ लाइफ का फार्मूला कैसे है, द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस का हाफ लाइफ का फार्मूला A(T)=N/O2, ये आप लोगों को पता हो, ठीक है। और ये नीचे इसका KT-NO2, ये भी आप लोगों को पता हो। यहाँ पे आप लोगों को ये फार्मूला पता हो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, ठीक है। DT/dt KT-TM T0=T0, ये भी आप लोगों ने याद करना, मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ज्यादा इसका नहीं आता तो इसलिए मैं इसको ऐसे करवा रहा हूँ। हाँ इन केस अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट दूंगा। हाँ लॉजिस्टिक इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक इक्वेशन आपको पता हो। एक्सपोनेंशियल मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ P(P0)e^KT पता हो आपको, ठीक है। इसकी कंडीशंस आप लोगों ने देखनी है, ये पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में। अगर k बड़ा है 0 से पॉपुलेशन ग्रो करेगी एक्सपेंड करेगी इन्फिनिटी को, अगर k छोटा है 0 से पॉपुलेशन श्रिंक करेगी अप्रोच करेगी 0 को, अंडरस्टूड बात है, विच मीन एक्सटेंशन। P0 जो है वो इनिशियल पॉपुलेशन है यहाँ पे, और लॉजिस्टिक इक्वेशन का आपको पता हो DP/dt P-A dp, ठीक है। कैन बी इजिली आइडेंटिफाई एज नॉन लीनियर इक्वेशन दैट इज सेपरेबल। सिंगुलर सॉल्यूशन है लॉजिस्टिक इक्वेशन का, ठीक है। अब लॉजिस्टिक इक्वेशन के केसेस हैं, ठीक है, केसेस में आपने याद रखना है, ठीक है। DX/dt KXY (X+Y)=N+1, ठीक है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी आपको पता हो, यहाँ से आपको पता हो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है, एंड सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन क्या है। DX/dt KX and DX/dt K(α-X, β-X), ये आप लोगों को क्लियर हो। ये ज्यादा मैं थोरोली इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज में आता है, सब्जेक्टिव में मैंने बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ से एक या दो बड़ी मुश्किल शॉर्ट आ जाते हैं, ज्यादा नहीं आता इस क्वेश्चन से। सो लेकिन आप लोगों ने करना है, रीड आउट कर लेना है आपने, थ्योरी कर लेना है, एक एक दो दो क्वेश्चन कर लेना, लेकिन हाँ सब फार्मूले आपको सब आते। सो अब मैस्कुलिनस एप्लीकेशन है, जहाँ पे भी मुख्तलिफ फार्मूले आपने देखे। अब यहाँ से जहाँ से मैं आप शुरू करता हूँ आज का काम, पीछे जितना है जस्ट आप लोगों ने फार्मूले अच्छे से करने हैं और कुछ एग्जांपल्स कर लेने, या आप पास्ट वाले एग्जांपल कर लें, ठीक है। अब हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है। अब हायर ऑर्डर देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म A(N)=2x, देखिए अब n डेरिवेटिव यूज हो गया, ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब g(x) इक्वल है सो ये नॉन होमोजीनियस होगी, होमोजीनियस में राइट हैंड साइड में जीरो होता है, सिंपल सी बात है। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हो रहा है कहने की बात है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, जस्ट एक एग्जांपल को बताऊंगा आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इक्वेशन के वन है, ठीक है, वो कहता है कि ये सोल्यूशन है इस इनिशियल वैल्यू, साथ में इनिशियल वैल्यू कहता है ये नीचे y-4y+=12x, कहता है जो इक्वेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है, क्या ये इसका सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन कब होगा, जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। हमने डेरिवेटिव लिया, फिर डबल डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट की वैल्यूज, ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया 12x, 12e^2x + 4e-2x। जब सेकंड डेरिवेटिव लिया, देखिए सेकंड डेरिवेटिव y" के साथ पुट करना है हमने -4y, ठीक है। सो हमारे पास आंसर आ गया 12x, ठीक है। सो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कैसे कर रहा है अब मैं आपको बताता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव की हमने लिया तो आ गया 12e^2x + 4e-2x - 12e^2x - 4e-2x + 12x, ठीक है। 12x पता बचा है, मतलब कहने की बात ये है कि इक्वेशन में दोनों तरफ 0-0 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन ने सेटिस्फाई कर दिया, जब उसमें वैल्यू पुट किया आंसर 0-0 आ रहा है तो सेटिस्फाई हो गया। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, x की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह 1 पुट कर दिया, सॉरी x की जगह 0 पुट कर दिया और y की जगह 4 पुट कर दिया, जो इक्वेशन थी y=3e^2x + e-2x - 3x, और फिर उसका डेरिवेटिव लिया हमने y- से और फिर दोबारा ये वैल्यू पुट कर दिया, x की जगह 0 y की जगह 1, सिंपल सा। एक और एग्जांपल करवाता हूँ, ठीक है, वैसे ही है, ये भी सिंपल सी है। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मैंने कहा था y(A)=y0, y(B)=y1, देखें
ए और बी वैल्यूज डिफरेंट है, एक्स की जगह वैल्यूज डिफरेंट है और वाई की जगह भी वैल्यूज डिफरेंट है, तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की पहचान है। कहता है ये सोल्यूशन है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, तो सबसे पहले वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन सिक्स इक्वल टू सिक्स वो कैंसिल आउट होकर जीरो जीरो आ गया। या आप ऐसे कर ले, अगर मैं ऐसे इसको मोर प्रिसाइजली स्पीकिंग देखें, सारी वैल्यूज एक दूसरे को कट कर रही है, सिक्स इक्वल टू सिक्स आया, जब वन इक्वल टू वन आया हम ऐसे कह सकते हैं सिंपल, किसी जीरो में कह गया था जीरो नहीं होगा। सो जब इसको सेटिस्फाई कर रही है, वन इक्वल टू वन आ रहा है इक्वेशन को, तो उसका सोल्यूशन होगा, फिर हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अप्लाई कर दिया। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है नहीं है। अब लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। लीनियर इंडिपेंडेंस कब हो, देखो कहता कोई भी फंक्शन है, हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शन है, एन तक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन की एन तक सीरीज है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन एन ऑर्डर के, ठीक है, सेट टू बी लीनियर इंडिपेंडेंट इफ एनी इंटरवल, कहता कोई भी इंटरवल आए कॉन्स्टेंट। देखिए हम जब फंक्शन के साथ कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करें, हर कॉन्स्टेंट जीरो ना हो, कुछ कॉन्स्टेंट जीरो हो जाए, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंस होगा। अब ये कैसे होगा, एग्जाम्पल को देखते हैं तो हमारा क्लियर आउट हो जाएगा। सो लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है, मतलब हर कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो आ जाए, हर कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो आ जाए। अब कहता है केसेस हैं फंक्शन के, अगर n बराबर है 2 के, ठीक है, मतलब अगर n बराबर है 2, फंक्शन का मतलब कांस्टेंट 2 यूज होंगे, 2 फंक्शंस है, ठीक है, सिंपल सी बात है। कहता फंक्शन लीनियर डिपेंडेंट होगा अगर c और c1 और c2 जीरो ही होंगे, सिंपल सी अजम्पशन है, ठीक है, वहां से उसने वैल्यूज निकालनी है, जैसे एग्जांपल पे आते हैं वहां समझ आ जाएगा। देखिए f(1x) sin 2x f ऑफ 2x sin x cos x, एक इंटरवल दिया माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, इंटरवल ओपन है, ओपन कैसे है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी से टेंड कर रहे हैं, तो मतलब माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी में जितने पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड इंटरवल में, माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी इंक्लूड नहीं है। कहता अगर हम चूज करते हैं, अब ये कंक्लूजन है ना, ये अपने पढ़ना है आपने, कहता अगर दो फंक्शन लीनियर इंडिपेंडेंट है तो अगर एक दूसरे का मल्टीपल है, तो एक फंक्शन दूसरे का मल्टीपल है तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शन होंगे, डिपेंडेंट। अगर एक फंक्शन दूसरे का मल्टीपल नहीं है, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हो। और कहता अगर फंक्शन का सेट दिया है, nth ऑर्डर के फंक्शन दिए, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे अगर एक फंक्शन को एक्सेस करें दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है वो डिस्कस करते हैं बाद में। एग्जाम्पल दिए थे कि अगर हम मैं वैल्यू रखता हूँ, देखिए कॉन्स्टेंट तो यूज होंगे फंक्शन सी वन सी टू, हमने पहले बता दिया कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो आनी है, नहीं आनी तो कॉन्स्टेंट यूज होंगे। कहता अगर हम C1 रखते हैं 1 बाय 2, C2 रखते हैं माइनस 1, अपने से रख दिया तो फंक्शन आंसर दे रहा है जीरो, तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, हमने यहां से क्लियर कर लिया लीनियर डिपेंडेंट होंगे। अब सेकंड फंक्शन हमने मुख्तलिफ वैल्यूज रखी है, फिर भी फंक्शन आंसर दे रहा है जीरो, ठीक है, कॉन्स्टेंट की मुख्तलिफ वैल्यूज रखी है, सो आंसर दे रहा जीरो। हाँ, व्रोंगसियन से भी आप लोग लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट चेक कर सकते हैं। व्रोंगसियन से चेक करने का बहुत आसान तरीका है, ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये ट्रिकी दिए होंगे, अजीब अजीब से दिए होंगे कि उसने वैल्यूज चूज की है ऑर्बिटरी, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है ऑर्बिटरी वैल्यूज चूज नहीं, वो लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पूछता ज्यादा, तो आपको तरीका आना चाहिए जस्ट। देखें फंक्शंस का सेट दिया हुआ है, तीन फंक्शंस दिए हुए हैं, कॉन्स्टेंट यूज किए। अब देखो हमारे पास फंक्शंस तो दिए हुए हैं, लेकिन हमने फंक्शन की जगह वैल्यूज लिख दी, और फिर हमने अगर हम ऐसे करते हैं, वन प्लस एक्स है जो उसके कोफिशिएंट्स हैं, देखिए सी वन वन प्लस एक्स प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स के। अब सी वन और सी टू कॉमन ले लिया, ठीक है, यहां से कॉमन ले लिया। अब देखिए इस इक्वेशन का हम अगर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, अब कंपेरिजन इक्वेट करें कोफिशिएंट को, पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ा हुआ है, कैसे करेंगे, देखिए इक्वेट करें अगर हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट, तो c1 तो जीरो आएगा, c3 भी जीरो हो जाएगा, अगर x के करें तो c1 और c2 भी जीरो हो जाएंगे। सो सिमिलरली जब सारे जीरो हैं तो ये जीरो, तो जब कॉन्स्टेंट सारे जीरो हो जाएंगे फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अगर इन केस कोई एक भी नॉन जीरो आगा तो लीनियर इंडिपेंडेंट। अब व्रोंगसियन सबसे आसान मेथड है जब डिटर्मिनेंट में फंक्शंस को रखें, ये व्रोंगसियन बहुत पूछता है, लीनियर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बहुत पूछता है, अगर एक फंक्शन दूसरे का मल्टीपल एड्रेस बता दो कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं है तो आप बता सकते हो लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो वोंगसियन में हम लोगों ने फंक्शंस को लिख दिया मोड में,
जी ब्रॉक्सियन हमने एग्जांपल में अप्लाई करते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट क्यों है, देखें फर्स्ट फंक्शन मल्टीपल है दूसरे का, देखिए 1 बाय 2 1 माइनस cos 2x, देखिए दूसरा फंक्शन 1 माइनस 2 cos 2x का, ठीक है, सो ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट, लेकिन हम ब्रॉक्सियन से भी चेक करेंगे कि फंक्शन है कि नहीं। ब्रॉक्सियन में क्या साइंस के टेक्स्ट लिखा है, एफ ऑफ वन एक्स लिखा है, ठीक है, फिर नीचे एफ ऑफ वन एक्स का डेरिवेटिव लिखा है 2 sin x cos x, सिमिलरली एफ ऑफ टू एक्स लिखा है, फिर उसके नीचे डेरिवेटिव लिखा है। अगर तो आज डिटर्मिनेंट जीरो, ब्रॉक्सियन से जस्ट सिंपल लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने का, ब्रॉक्सियन जीरो आ जाए फंक्शन लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, अगर ब्रॉक्सियन जीरो नहीं आए तो फंक्शन लीनियर इंडिपेंडेंट है, सिंपल सा है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सोल्यूशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था वो क्या होता है, एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमने कहता है होमोजेनस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है y1 y2 y3, सो हम डेरिवेटिव लेंगे होमोजेनस इक्वेशन में, वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, अगर आंसर आ गया, देखिए जीरो आ गया आंसर तो सेटिस्फाई कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास आंसर आ गया जीरो तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, कहता है ये सोल्यूशन है इसका, सिंपल पहले वाली बात से हम चेक कर रहे हैं और ज्यादा उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है।